खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार और दबंग स्टार खेसारी लाल यादव कोई परिचय के मोहताज नहीं है। खेसारी लाल यादव फिर पवन सिंह पर साधा निशाना और कहे कुछ अलग ही बात। खेसारी लाल यादव यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह ने कोई चौपाल ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च नहीं किया है। इसमें 100% सच्चाई है, इसकी हम सपोर्ट में खड़े हैं। और मैं बता दूं, खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि पवन सिंह कौन होते हैं लॉन्च करने वाले, वो तो एक आर्टिस्ट हैं। पर मैं आप सभी को बता दूं, जो चौपाल ऐप लॉन्च किया गया है उसे भोजपुरी की पहली वेब सीरीज परपंच के जरिए लॉन्च किया गया है। यानी आप यह कह सकते हैं कि परपंच वेब सीरीज के जरिए चौपाल ऐप को भोजपुरी में यह कहे कि प्ले स्टोर पर लाया गया है और काफी भोजपुरी के दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। पर बात खत्म यहाँ नहीं होती। खेसारी लाल यादव फिर पवन सिंह के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी कर दिए हैं। इससे पवन सिंह के फैंस में काफी नाराजगी नजर आ रही है। पवन सिंह के फैंस और खेसारी लाल यादव के फैंस फिर आपस में एक दूसरे से लड़ चुके हैं कि ये कैसे और कहां ये और वो करके काफी लड़ाई होती रहती हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, बॉलीवुड और टॉलीवुड हर एक इंडस्ट्री में दो बड़े स्टारों के बीच ऐसी फैंस की लड़ाइयां होनी आदमी है। पर इस बारे में आपको सोचना होगा कि क्या कारण है कि खेसारी लाल यादव हर बार पवन सिंह पर टिप्पणी कर ही जाते हैं, जबकि यह ना तो पवन सिंह को राज आता है ना ही खेसारी लाल यादव को राज आता है। हमेशा ही टकराव दोनों स्टारों के बीच बना रहता है, फिर भी खेसारी लाल यादव टिप्पणी कर जाते हैं। आप सभी का इस पर क्या राय है? जो खेसारी लाल यादव ने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है? पर मैं आपको बता दूं, इसमें 100% भी सच्चाई नहीं है। यह बात सच है कि खेसारी लाल यादव ने जो कहा, चौपाल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसे पवन सिंह ने लॉन्च नहीं किया है, पर पवन सिंह के वेब सीरीज पर पंच के जरिए ही चौपाल को लॉन्च किया गया है। यह भी उसी का एक पहलू है जिस पर आपको विचार करना पड़ेगा। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और भोजपुरी के तमाम खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।